बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये बड़ी खबर है। विदाई से पहले एमपी में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। आपको बता दें, इंदौर धार समेत 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बैतूल पांडुना बालाघाट में भी आज तेज बारिश का अलर्ट है। विदाई से पहले मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, इंदौर धार समेत 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर में चौथी बार स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज तेज बारिश के आसार हैं। 3 दिन तक मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर बना रहेगा। आपको बता दें, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से लिए, बैतूल पांडुना और बालाघाट में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विदाई से पहले मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव एक बार फिर से हो गया है, जिसके बाद इंदौर धार समेत 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर में चौथी बार ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है। आपको बता दें, सितंबर के पूरे महीने में मध्य प्रदेश में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। हालांकि अब मानसून अपने आखिरी अंतिम चरण में है। मानसून की कुछ दिन में विदाई होने वाली है, लेकिन विदाई से पहले मानसून एक बार फिर मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से इंदौर और धार समेत 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में सितंबर में चौथी बार से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है। 3 दिन तक एमपी में तेज बारिश का दौर बना रहेगा। बैतूल पांडुना और बालाघाट में तेज बारिश का अलर्ट बना रहेगा। आपको बता दें, इस मॉनसून सीजन पहले ही मध्य प्रदेश में 41% ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जिसके बाद अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। विदाई से पहले मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। 3 दिन तक एमपी में तेज बारिश का दौर बना रहेगा। आपको बता दें, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर है, जहां बैतूल पांडुना और बालाघाट में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है। विदाई से पहले मॉनसून अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन जाते जाते मॉनसून एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गया है। इंदौर धार समेत 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर में चौथी बार ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर है, 3 दिन में एमपी में तेज बारिश का दौर बना रहेगा।